कहते हैं गुरु अपने आप ही मिलते हैं, अकस्मात अचानक। गुरु ढूंढना नहीं पड़ता। बारिश का पानी जब बरसता है तो पानी तो सब जगह बरसता है, पर वो पानी ठहरता वहीं है जहां गहराई होती है। तालाब में गहराई है तो तालाब में भर जाता है, खेत गहरा है तो खेत में भर जाएगा। अच्छा, गहराई नहीं है, ऊंचाई है तो बह जाएगा। पानी बरसा तो सब जगह है, पर ठहरा कहां? जहां गहराई थी। उसी प्रकार जिसका हृदय गहरा है, अर्थात जो भक्ति और प्रेम की गहराई में डूबे हैं, उनके जीवन में ही सच्चे गुरु की एंट्री होती है। आज समाज में सच्चा गुरु मिल पाना ही मुश्किल है। आज आप सच्चे गुरु की तलाश करते हैं, सच्चा गुरु नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप जब गुरु बनाते हैं तो आप गुरु इसलिए बनाते हैं कि हम गुरु जी बना लेंगे तो ये बड़े प्रभावशाली गुरु जी हैं, हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारा ये काम बन जाएगा, हमारा वो काम बन जाएगा। आप सांसारिक चीजों को मध्य में रख के गुरु चुनते हैं, इसलिए सच्चा गुरु मिलता नहीं। फिर गुरु कैसे बनाना चाहिए? गुरु इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि हमारा काम धाम चलने लग जाए, पैसे आने लग जाएं। गुरु इसलिए बनाना चाहिए कि हे गुरुदेव, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर रही है, भगवान कहीं ना कहीं से दाल रोटी दे देते हैं, बस आप तो दाल रोटी के लिए गुरु मत बनाओ, गुरु बनाओ। हे गुरुदेव, दाल रोटी तो संसार से कहीं ना कहीं चल रही है, आप तो केवल ये कृपा करो कि मेरे हृदय में भगवत भक्ति बढ़े, भगवत प्रेम बढ़े, गोविंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दीजिए जिससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। ध्रुव जी जब घर से निकले तो नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पद चाहिए ना, तुम पद के लिए लौट आए हो, चलो मैं तुम्हें पद देता हूं। ध्रुव जी ने कहा, ना ना, हमें पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। गुरु पहले ये पूछता है तुम्हें चाहिए क्या। नारद जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, ध्रुव जी ने कहा पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले भगवान चाहिए। अब आप भी हमसे कहते हैं गुरु जी काम नहीं बन रहा है, तो आपके हिसाब की बात हम भी कर देते हैं, भाई ऐसा कर लो काम बन जाएगा। भाई जैसा शिष्य वैसा गुरु। आप जब सांसारिक बातें करते हैं तो हमें भी सांसारिक उत्तर देने पड़ते हैं। आप जब प्रश्न ही उत्तम करेंगे तो बात भी हम उत्तम करेंगे। ध्रुव जी ने ये नहीं कहा कि नारद जी गुरु जी मुझे राजा बना दो, माल दे दो, ना। ध्रुव जी ने कहा, गुरु जी ये बताओ कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। गुरु से हमेशा एक ही प्रश्न करना चाहिए कि गुरुदेव हमारा कल्याण कैसे होगा, कल्याण का साधन बताइए। तब नारद जी ने कहा, बेटा देख तेरी अवस्था बहुत छोटी है, अभी तेरी उम्र ये सब करने की नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, क्यों? बुढ़ापे का मैं इंतजार करूं और कल ही मर गया तो नुकसान हो जाएगा। तब नारद जी समझ गए कि चेला पक्का वाला है, ये डगमग डगमग डोलने वाला नहीं है, तो शिष्य को तो पहले पक्का होना चाहिए। पक्का किस बात पर होना चाहिए? कि भगवान को पाना है, इस बात पर पक्का होना चाहिए, अडिग। ऐसा नहीं हम मिल जाएंगे तो देख लेंगे, प्रयास करेंगे नहीं। एक बार हम कथा सुना रहे थे तो कथा सुनाने के लिए हम गए, जहां कथा हो रही थी वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर हम रुके थे एक घर में। तो जब हम घर से उतरते तो वहां रोज के हम एक मैया मिलती, रोज हम एक मैया मिलती,
हम रोज मैया से कहते, मैया कथा में चल नहीं रही हो? महाराज जी, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। अब हम चले गए, कथा सुना के आए तो वो फिर बाहर बैठे पंचायत कर रही पड़ोसन से। दूसरे दिन फिर हम निकले तो वो ठंडियों का समय था, धूप पे बैठी, रोज मिलती टाइम से। हम फिर हमने कहा, माता जी आप कथा में चल नहीं रही हो? महाराज जी, भगवान बुलाएंगे तो चलेंगे। हमको लगा शायद इनका कोई काम हो, पर जब कथा सुना के आते थे तो वो पंचायत करती ही मिलती थी, जाते थे तो पंचायत, आते थे तो पंचायत। हमने एक दिन पूछ लिया, माता जी ये बताओ, मैया जी जब हम गए थे तब भी आप यहाँ बैठी हो, जब हम वापस आए तो भी आप यहाँ बैठी हो, अंदर गई के नहीं? नहीं महाराज जी, हम तो यहीं बैठे हैं तब से। तो हमने कहा, फिर कथा में क्यों नहीं आई? बोले, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। अब आप ये बताओ कि भगवान कैसे बुलाते हैं? अरे भगवान ने हमारे मुंह से कहवाया तो, हमसे कहवाया, हमने कहा ना कि मैया जी कथा में चलो, ये कौन कहवाया? ये भगवान ही तो कहवाए, चलना था कथा में। अब आप कहते हैं भगवान ले जाएं, तो क्या भगवान उठा के ले जाएं? ये चाहते हो? भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। अरे बुला तो रहे हैं, हम कह तो रहे हैं चलो, और कैसा बुलावा? लोग समझते नहीं। याद रखना, भगवान कभी डायरेक्ट कुछ कहने नहीं आएंगे, आपके पड़ोसी बनकर ही आपको कह देंगे, आपकी माँ बनकर ही आपको कह देंगे। हाँ, कई बार हमें लोग कहते हैं, बेटा ये रास्ता गलत है, इस पर मत चलना, आप सुन लेते हैं। कभी आपने विचार किया कि वो जिसने रोका आपको, वो कौन था? वो भले आपका रिश्ते में भाई था, वो भले आपका रिश्ते में पिता था, वो भले आपकी रिश्ते में पत्नी थी, पर रोका ना उसने, मतलब ईश्वर ने उनके द्वारा आपको रुकवाया था। आप समझे ही नहीं और आप चले गए, ठोकर लग गई। इसलिए आप ये समझ के चलिए कि जीवन में जो भी आप व्यवहार करते हैं किसी के संग भी, तो आप ये समझ के चलिए कि जो लोग आपके बारे में जो कुछ कह रहे हैं, आपको जो अच्छी सलाह दे रहे हैं, वो सलाह परमात्मा की है, उसे मान लो, उस रास्ते पर चलो, जीवन में कभी ठोकर नहीं लगेगी, इस हिसाब से चलोगे तो। नारद जी ने कहा, बेटा अब क्या चाहिए? बोले, भगवान चाहिए। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का ध्रुव जी ने क्या किया? देखिए, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। गुरु मंत्र तो दे सकता है, पर उस मंत्र को जप करके भगवान की प्राप्ति आपको ही करनी पड़ती है। गुरु रास्ता तो बता सकता है, किसी ने कहा भाई हमें आगरा जाना है, कैसे जाएं? तो आप बता दो, यहां से लेफ्ट होके राइट हो जाना, फिर आगे से लेफ्ट होके सीधा चले जाना, आगरा मिल जाएगा। जैसे कोई आपको रास्ता बताता है, उसी प्रकार से गुरु केवल रास्ता बताने वाला है, बता देगा कि भैया सत्य के मार्ग पर चलना, झूठ कपट ना करना, तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब आपने किसी से पूछा, भैया आगरा जाना है, तो सामने वाला बता तो सकता है, हाथ पकड़ के आगरा ले जा तो नहीं सकता। बताओ, आगरा का रास्ता तो बता सकता है, पर हाथ पकड़ के आगरा छोड़ने थोड़ी जाएगा। गुरु भी भगवान का रास्ता बता सकता है, भगवान तक तो आपको ही जाना पड़ेगा, गुरु नहीं ले जाएगा। इसलिए ध्रुव जी को मंत्र तो नारद जी ने दिया, पर उस मंत्र का जब जाप किया, नियम से जाप किया, गुरु वचनों पर विश्वास करके जाप किया, तो भगवत प्राप्ति हो गई, उसमें संदेह नहीं है। गुरु के वचनों पर विश्वास करके उस मार्ग पर चल पड़ना ही कल्याण का साधन है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य का मार्ग ना छोड़िएगा, पर हित का मार्ग ना छोड़िएगा।
ध्रुव जी को भगवान मिल गए। केवल मंत्र जाप से 6 महीने में